नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ एआरओ परीक्षा के लिए प्री और मेंस दोनों ही परीक्षा के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को हम लोग डेली बेसिस पर कवर कर रहे हैं, जिसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर क्रिएट कर दी गई है और उसमें आप लोग सारे प्रीवियस वीडियोज को पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग को क्या कवर करना है और साथ ही इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दी जाती है। केवल एक पेज के माध्यम से हम लोग डेली बेसिस में बहुत टारगेटेड वे में, बहुत फोकस्ड तरीके से, कम ही जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें उन सभी को तैयार कर रहे हैं। और इसमें देखिए, आज का जो हमारा सेक्शन है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है ऐसे कोटेशंस का, उसमें हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आज की कोटेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, विल्सन साहब ने कहा है कि वर्षा वनों को आर्थिक लाभ के लिए नष्ट करना ठीक उसी प्रकार है जैसा भोजन पकाने के लिए पुनर्जागरण काल की किसी पेंटिंग को जलाना। अब समझ लीजिए कि कितनी गजब की तुलना की है। और ये आपके लिए जो पर्यावरण वाला निबंध होता है, इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए जा, जो अच्छा इसमें आज इसमें संदर्भ देना मैं भूल गया। वैसे इसमें जो पर्यावरण वाला निबंध है, वैसे आपको ये क्लियरली स्पष्ट भी है, यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। जो आपका पर्यावरण वाला पोर्शन रहता है उसमें आप लोग इसको कोट कर सकते हैं, इस कोटेशन को, कि वर्षा वनों को अगर हम लोग आर्थिक लाभ के लिए, आप लोग देख रहे हैं कि जो वन संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका हम लोग दोहन अपने आर्थिक लाभ विकास के लिए कर रहे हैं, किंतु वो उसी की तुलना करते हुए विल्सन साहब कहते हैं कि ये इस प्रकार है जैसे भोजन बनाने के लिए आप पेंटिंग को जला रहे हैं। आप किसी रद्दी को नहीं जला रहे हैं, बल्कि आप पेंटिंग को जला रहे हैं। इस हद तक हम लोग अपने आर्थिक विकास के लिए कीमत चुका रहे हैं। तो ये इसका पूरा तात्पर्य, इसको आप लोग जरूर अपने निबंध में कोट करें, बहुत ही अच्छी कोटेशन है। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं अशुद्ध शुद्ध शब्दों पर। तो आज का जो शब्द है वो पहला तो कंगना, कंगना आप लोगों ने बहुत नाम इनका सुना होगा। तो कंगना जो है वो कंगना ये नहीं लिखा जाता है, बल्कि कंगना, ये इसमें चंद्र बिंदु होता है कंगना, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, ये चंद्र बिंदु है। उसके बाद देखिए स्वाति, स्वाति भी कई सारी लड़कियों का नाम होता है, स्वाति गलत है, दरअसल स्वाति होता है, ठीक है। तो स्वाति नक्षत्र होता है, तो स्वाति में आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है, कंगना में आपको चंद्र बिंदु लगाना है, और सिंचित, सिंचित देखिए बहुत कॉमन वर्ड है, सब लोग प्रयोग करते हैं कि सिंचित क्षेत्र इतना है, भारत में सिंचित क्षेत्र इतने प्रतिशत है, तो ये सिंचित नहीं होता है, सिंचाई से सिंचित बना है, लेकिन सिंचित जो है ये वर्ड गलत है, इसकी जगह पे आप कहेंगे सिक्त। तो सिंचाई से सिक्त वर्ड की मतलब सिंचा हुआ कितना है, तो सिक्त वर्ड यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए कई सारे ऐसे टर्म है जो कि बहुत धड़ल्ले से आपके हिंदी भाषा में यूज होते हैं, चाहे वो कंगना हो, स्वाति हो या सिंचित हो, परंतु आपको अब से ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु लगानी है, छोटी की मात्रा लगानी है, और ये सिक्त है, ठीक है। अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, वो है तद्भव तत्सम। तो तद्भव देखिए ससुराल, पहला है कि ससुराल, ससुराल का होता है श्वसुरालय। अब देखिए जो ससुर होता है, ससुर को बोलते हैं श्वसुर, श्वसुर, ठीक है। तो ससुर को श्वसुर बोलते हैं और ससुराल को बोल देते हैं श्वसुरालय, ठीक है। तो इससे आप लोगों का ये बन गया सास। अब जब ससुर आए तो सास को भी ले आते हैं यहीं पे, सास को बोलते हैं श्वश्र। अब देखिए ये एक नया है और टफ वर्ड है, आप लोगों को ध्यान रखना है, और साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि श्वश्र लिखा कैसे जाएगा, इसमें कौन सा श बन रहा है, कहाँ पर कौन सी मात्रा लग रही है, यहाँ पे री मात्रा लग रही है, तो यानी श्वश्र, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सास। और उसके बाद साला, अब जब ससुराल और सास और ये सब हो ही गया, सास ससुर हो गए, तो साला भी देख लेते हैं लगे, तो साला जो है उसको बोलते हैं श्याल, ठीक है। तो ये आपका ससुराल हो गया ससुरालय, सास हो गया श्वस्त्र, और साला हो गया श्याल। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो जीजा लोगों को बहुत प्रिय होती हैं, साला के, साला तो एकदम ही नहीं प्रिय होते हैं, साला के अलावा जो प्रिय होती है यानी साली, उसको हम लोग तत्सम में क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो आप लोगों को ढूंढना आसान होगा, लेकिन आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है। और नहीं अगर बता पाएंगे तो मैं उसमें या तो कमेंट के माध्यम से, नहीं तो अपनी अगली क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ाइए इसको, आते हैं हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द पर, ठीक है। तो वाक्यांश में देखिए सबसे पहला है कि ऋण ना चुकाने वाला। अब देखिए ये हालांकि अभी तक पूछा तो नहीं गया है, परंतु आपकी हरदेव बाहरी की पुस्तक में था, तो इस वजह से इसको मैंने रखा है, इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ऋण ना चुकाने वाला, तो इसको बोलते हैं नादिहंत,
कि मतलब ना देहब या ना नहीं दूंगा, तो उससे आप बना लीजिए ना दिहंद, तो ऋण न चुकाने वाला ना दिहंद। जो देखने योग्य है, तो देखिए जो देखने योग्य है तो वो हो जाएगा दर्शनीय या द्रष्टव्य। तो देखिए जब भी आप लोग देखते होंगे कि ऐसा बुक्स में लिखा रहता है कि यह उदाहरण द्रष्टव्य है, तो वो दरअसल द्रष्टव्य हो जाएगा कि जो देखने योग्य है, या फिर इसी को दर्शनीय भी बोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये प्रश्न कई कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस की परीक्षा में, उसको देख लीजिए। आधी रात का समय, इसको क्या बोलते हैं? तो आधी रात के समय को बोलते हैं निशीथ, निशीथ को बोलते हैं आधी रात का समय। ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, और एक से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। अगले टॉपिक में देखते हैं शब्द और विलोम पर। तो विलोम शब्द में देखें तो सबसे पहले प्रकट, प्रकट का उल्टा होता है अंतर्धान, ठीक है। प्रकट का उल्टा क्या होगा? तो अंतर्धान होगा। आविर्भूत, आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत, ठीक है। प्रकट का उल्टा अंतर्धान, आविर्भूत का तिरोभूत, और चांचल्य का स्थैर्य, ठीक है। चंचलता से चांचल्य बन गया और स्थिर से स्थैर्य बन गया, तो चांचल्य स्थैर्य। तो यानी प्रकट का अंतर्धान, आविर्भूत का तिरोभूत, चांचल्य का स्थैर्य। उसके बाद देखिए कि अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों पर। पर्यायवाची में देखिए भौरा, ये एक ऐसा पर्यायवाची शब्द है जो कई कई बार पूछा जा चुका है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। इसमें देखते हैं भौरा, भौरा का क्या है? तो एक तो आपका सबसे पहले कि ये मधुप से रिलेटेड, मधु इससे संबंधित है, देखिए मधुप से रिलेटेड, तो एक तो मधुप हो गया, मधुराज हो गया, फिर उसके बाद मधुभक्षी हो गया। तो देखिए मधुप, मधुराज, मधुभक्षी, इन तीनों को एक साथ कर लीजिए। उसके बाद देखिए भ्रमर, भ्रमर भौरा को बोलते हैं, वो तो इसके नाम से स्पष्ट है। श्रृंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, श्रृंग। उसके बाद देखिए कि शिलीमुख और अली और षटपद, षटपद इसके मतलब पैरों से बन गया है, षटपद और अली और शिलीमुख। तो अली कली ही सौ बंधे वाला ये अली हो जाएगा, तो अली जो है वो भौरा को बोलते हैं, जैसा कि राजा जयसिंह के लिए बिहारी लाल ने लिखा था, कवि बिहारी लाल ने, कि अली कली ही सौ बंधे आगे कौन हवाल। तो वो अली जो है वो यही भौरा वाला है। शिलीमुख, शिलीमुख भी बोलते हैं भौरा को, याद रखिएगा, नया वर्ड है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भौरा जो है वो शिलीमुख, अली, षटपद, मधुप, मधुराज, मधुभक्षी, भ्रमर, श्रृंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं वृक्ष पर। तो वृक्ष का पर्यायवाची, तो देखिए पहला तो शाखी हो गया आपका, ठीक है, शाखा, शाखी, उससे आप समझ लीजिए कि वृक्ष का शाखी हो जाएगा। दूसरा पादप, पेड़, ये आपको पता ही है। रुख, रुख भी आपका जो है ये वृक्ष से रिलेटेड है, रुख। विटप, विटप हो गया अगम, अगम मतलब कि आपका पौधा या वृक्ष इससे रिलेटेड ही है, तो अगम, विटप, द्रुम, गाछ, गाछ आपका भोजपुरी वगैरह में बोल दिया जाता है या पूर्वांचल साइड में, तो गाछ हो गया, द्रुम हो गया, अगम, विटप, रुख, पादप, शाखी। उसके बाद देखिए एक पर्यायवाची जो वो दरअसल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, उसको मैंने अलग से लिख दिया है कि इला। इला का मतलब देखिए, एक तो होता है आपका पृथ्वी, इला का मतलब पृथ्वी, और दूसरा होता है सरस्वती, ठीक है। तो इला का मतलब एक तो सरस्वती होता है और दूसरा होता है पृथ्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले अब ये मुहावरे लोकोक्तियां पर आ जाते हैं। तो मुहावरे लोकोक्तियों में देखिए सबसे पहला है चांद पर थूकना। तो चांद पर थूकना, सबसे पहले तो आप थूकने से पहले ये ध्यान रखिए कि चांद को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, चांद पर थूकना जो है उस वो हो जाएगा आपका किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। तो ये आप लोग अक्सर देखते होंगे छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है, जैसी आजकल चल रही है विकास दिव्यकीर्ति सर के साथ में, तो वो जो है लोग लगाते रहते हैं, जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होती वो भी उस मतलब ऐसा करने की चेष्टा करते हैं। खैर छोड़िए, चांद पर थूकना ये होता है किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। उसके बाद गरीब की जोरू सबकी भाभी, ये देखिए ये थोड़ा सा फनी टाइप का हो गया और ये एकदम सच्चाई भी है। तो गरीब की जोरू सबकी भाभी, यहाँ पर है कि कमजोर आदमी से सभी लाभ उठाना चाहते हैं। यहाँ पे आप उल्टा सीधा इसका मतलब ना लगाइएगा, पता चला ऐसा ही कोई हंसी मजाक वाला कॉमेंट भी कर दिए, उसमें वाक्य प्रयोग कर दिए, वो सब नहीं। कमजोर आदमी का सभी लाभ, कमजोर आदमी से सभी लाभ उठाना चाहते हैं, ये होगा आपका इसका गरीब की जोरू सबकी भाभी। उसके बाद है उल्टी माला फेरना। तो देखिए सीधी माला जो फेरा जाता है उससे कामना की जाती है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, इसलिए लोग माला फेरते रहते हैं। तो अगर कोई उल्टी माला फेर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो अनिष्ट की कामना कर रहा है, मतलब कुछ बुरा हो जाए
वो ऐसी कामना कर रहा है, तो उसको बोलते हैं उल्टी माला फेरना। ठीक है, अगला देखिए प्रशासनिक शब्दावली, उस पर हम लोग आते हैं। प्रशासनिक शब्दावली की अगर बात करें, सबसे पहले पुनर्विनियोग आपका पूछा जा चुका है प्रश्न, ये तो पूछे हुए प्रश्न को इसमें देखते हैं। पुनर्विनियोग क्या है? तो पुनर्विनियोग होता है रीअप्रोप्रिएशन, विनियोग आपका अप्रोप्रिएशन और पुनर्विनियोग का मतलब रीअप्रोप्रिएशन। आप लोगों को ध्यान रखना है चीज, अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये क्लियर होगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। पुनर्विनियोग का मतलब रीअप्रोप्रिएशन। फैसला, फैसला को बोलते हैं वर्डिक्ट, आपका जो कोर्ट जैसे रहता है, कोर्ट वर्डिक्ट देता है या कोर्ट फैसला देता है, तो फैसला को बोलते हैं वर्डिक्ट। स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग आपको याद करनी बहुत जरूरी, मैं कई बार बता चुका हूँ, कई लोग तो हिंदी ही नहीं सही से लिख पाते हैं, इंग्लिश तो छोड़ ही दीजिए हिंदी भी नहीं लिख पाते हैं, तो पुनर्विनियोग कैसे लिखा जाना है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना मतलब दोष उसको जो है दोषों से मुक्त करना, उसको बोलते हैं एब्सॉल्व, एब्सॉल्व। ठीक है, तो एब्सॉल्व का मतलब दोष से मुक्त करना, वर्डिक्ट का मतलब फैसला, रीअप्रोप्रिएशन का मतलब पुनर्विनियोग, इसी के साथ ही उल्टी माला फेरना मतलब अनिष्ट की कामना करना, गरीब की जोर सबकी भावी मतलब कमजोर आदमी सभी लाभ उठाना चाहते हैं, और चांद पर थूकना मतलब किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। चांचल्य का उल्टा हो जाएगा स्थैर्य, आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत, प्रकट का हो जाएगा अंतर्धान। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा सेशन, और जल्दी हम लोग अगला सेशन लेके कल आपसे मिल रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।